जी हाँ दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य सरकारी नौकरी के इस ऑफिशियल YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए देश दुनिया से अच्छा की तमाम खबर साथ बने रहे जुड़े रहे। तो फ्रेंड्स, एक लेटेस्ट न्यूज आई है आप सभी के लिए कार्यपालक सहायक को लेकर। तो सारा क्या है मामला देखते हैं फ्रेंड्स। इतने दिनों के बाद एक फिर से आप सभी के लिए खुशखबरी आई है। देख सकते हैं, बिहार में 10,000 पदों पर जल्द होगी बहाली। जी हाँ दोस्तों, 10,000 पदों पर कार्यपालक सहायक के पदों पर बहाली होगी। तो देखते हैं क्या है सारा डिटेल्स। बिहार में जल्द बम्पर बहाली होने वाली है, जिसमें 10,000 कार्यपालक सहायकों की बहाली होगी। पंचायती राज विभाग में 8,386 टोटल पंचायत हैं जिसमें बहाली होगी। इसके साथ ही 1,000 तकनीकी सहायकों की बहाली जल्द करने के लिए कहा गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा सभी जिलाधिकारी को आदेश दिया गया है कि जल नल की जो योजनाएं हैं उन कार्यों में विलंब हो रहा है, उसमें तेजी लाने के लिए तकनीकी सहायकों की 10 दिन के अंदर बहाली की जाए। इसके साथ ही 256 नगर विकास आवास विभाग में बहाली हो रही है, 74 अपर जिला। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं राज्य की हर ग्राम पंचायत में एक एक और कार्यपालक सहायक संविदा पर रखने का प्रस्ताव है। पूर्व में जो 8,386 है इसमें जो है प्रस्ताव था और उसमें बहाली हो रही थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें 6,090 पंचायतों में अभी जो है कार्यरत हैं, यानी कुल 8,386 में 6,090 जो है इनकी बहाली हो चुकी है BPSM के द्वारा। ये बहाली आपको BPSM देखिए 6 और 18 में सुना गया, 9, 2 और 8 में सुना गया, यानी 2,296। तो 8,800 2,296 ये आपका 8,386 जो प्रस्तावित है और 2,296 यही जो पद है 6, 6, 12 के 2 हासिल 1 8 एक 9, 8, 17 के 7 हासिल 1 3, 1, 4 2, 6, 8 तो फ्रेंड्स जो आपका 8,386 है इसमें 6,090 जो है बहाली हो चुकी है। तो 6 और 18 में से 9 गया तो 9 और 2 8 में से 2, यानी 2,296 ये रहा। और 8,386 और 2,296 6, 6, 12 के 2 हासिल 1, 8, 1, 9, 8, 17 के 7 हासिल 1, 3, 1, 4, 2, 6, 8, 10 कुल मिलाकर 10,672। यही जो है इसी को कहा जा रहा है कि 10,000 पदों पर बहाली होगी पंचायती स्तर पे कार्यपालक सहायकों की। पूर्व में जो है एक एक पद थे और हर पंचायत में जो पंचायती कार्यालय खुल रहे हैं जिसमें सारी सरकारी कार्य होंगे, जो ब्लॉक स्तर पे होते थे वो पंचायत स्तर पे होंगे। तो ये 10,672 टोटल बहाली होंगे, जो कि अब जो 2,296 हैं ये भी रुका हुआ है बहाली, और जो नई बहाली है ये आने वाली है। तो इस नई बहाली की फिर से नई प्रक्रिया होगी, नए आवेदन होंगे। ऐसा नहीं कि पूर्व में जो सारे लिस्ट वगैरह है पैनल है इनकी की जाएगी, ऐसा नहीं। पूर्व में जो 2,096 है 2,201 की जा सकती है, लेकिन जो नई बहाली का प्रस्ताव आया है ये नए तरीका से फिर से नए आवेदन होंगे। कारण कि ये जो सारी प्रक्रिया है अब नई आई है इसलिए नए आवेदन होंगे। और कुल मानदेय आपको 17,000 पर मंथ मिलेगा, जो कि वर्तमान में मिल रहा है सभी कार्यरत कार्यपालक सहायक को। अब देखा जाए तो
अभी वर्तमान में जो है नेक्स्ट ईयर 2020 में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सारे जितने भी कार्य हैं जो रुके हुए हैं उन कार्यों में तेज़ी लाई जा रही है। जितने भी बहाली रुकी हुई है उन कार्यों में तेज़ी लाई जा रही है, जितनी भी योजनाएं हैं, क्योंकि सरकार को दिखाना है कि इन इतने कार्यों को जो है सरकार अपने निर्धारित अवधि में पूरा कर ली, इतने रोज़गार दी जो प्रस्तावित थे उस सारे कार्यों को पूरा की, इतने सारे रोज़गार के अवसर आए, तो इन्हीं चलते ये बहाली जो है आपका जो है इसमें ज़्यादा देरी नहीं होगी और जल्द ही इसकी सारी जो है रिक्वायरमेंट प्रोसेस निकल जाएगी, आप फिर से आवेदन करेंगे। नेक्स्ट मंथ जनवरी मंथ में एंड ऑफ मंथ या सेकंड ये आ सकता है, और नहीं तो फरवरी फर्स्ट वीक के बीच तक ये आ सकता है। ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए तो मैक्सिमम अगर जाएगा तो फरवरी फर्स्ट वीक और जनवरी एंड तक आपका ये वैकेंसी आउट हो जाएगा और आप फिर से आप आवेदन करेंगे। इसकी सारी प्रक्रिया जो है तो फ्रेंड्स आवेदन जो है जल्द ही स्टार्ट कर दिए जाएंगे और इसकी सारी प्रक्रिया जल्द ही होगी। अब जो ये नई प्रक्रिया के तहत बहाली होगी इसमें सारे छात्रों का कंफ्यूजन है कि BPSN की हो के थ्रू होगी या वेल्टान के थ्रू होगी, तो इसकी अभी तक कोई प्रस्तावित नहीं है, इसमें आपको जो है कोई भी जो है दिया नहीं गया है, लेकिन पूर्व में जो बहाली हुई है वो BPSN के द्वारा हुई है और ये कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की जा रही है, न कि ये आप देख सकते हैं कार्यपालक सहायक की, न कि DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली वो भी आने वाली है जो कि ब्लॉक स्तर पे, उसकी भी नेक्स्ट आपको सारी बताई जाएगी प्रोसेस, तो आपको ब्लॉक स्तर पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की जा रही है और ये कार्यपालक सहायक है, तो हो सकता है 100% चांस कि BPSN के थ्रू इसकी बहाली हो, क्योंकि अगर ऐसी बात थी तो यहाँ पे कार्यपालक सहायक की जगह डाटा एंट्री ऑपरेटर का उपयोग किया जाता, लेकिन कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की जा रही है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर। अभी इन पदों में दोनों में अंतर है, सैलरी में अंतर है, सारे कार्यों में अंतर है, क्योंकि जो सुविधाएं डाटा एंट्री ऑपरेटर को मिलती थी वह एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को नहीं मिलती थी, तमाम सारे अंतर थे और अंतर हैं, लेकिन सरकार अब नए नियम के तहत चेंजेज कर रही है, इनको भी उस लेवल में लाना चाहती है DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे। लेकिन जो भी है ये अभी क्लियरफाई नहीं हुआ है, जो भी है कि सारी प्रक्रियाएँ जो है फिर से नए प्रक्रिया के तहत होगी, न कि BPSN और बेल्टान के तहत, और नए एग्ज़ाम आपको जो है अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें 60 मार्क का MCQ होता था और 40 मार्क्स का आपका जो है टाइपिंग 20-20 हिंदी और इंग्लिश, इस तरह कुल ओवरऑल 100% पे मेरिट आपका बनाया जाता था। तो मे भी यही सारी जो प्रोसेस हो सकते हैं या इसके कुछ चेंजेज हो सकते हैं, सारी प्रक्रिया जो है नोटिफिकेशन आने पर क्लियरफाई हो जाएंगे, तो बेहिचक आप निश्चिंत रहें, सारी अपडेट दी जाए। तो फ्रेंड्स जो भी है नई प्रक्रिया के तहत अगर चेंजेज होते हैं तो मे भी 100 का MCQ हो सकता है और 25 का जो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग हो सकता है,
ओवरऑल 150 पे बनाया जा सकता है। अभी तक जो आपके 60 MCQ होते थे उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड आते थे, 100 में आपको ओवरऑल सभी आ सकते हैं, ऑल टाइप्स एज ए मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर, ओवरऑल, तो में भी कुछ चेंजेज हो सकते हैं। लेकिन ये सारी प्रक्रिया जो है अगर चेंजेज होते तो ऐसी हो सकती है, अगर चेंजेज नहीं होते हैं तो पुरानी प्रक्रिया जो है उसी के अकॉर्डिंग सारे होंगे। तो जो भी है नोटिफिकेशन आने के बाद आपको सारी क्लियरफाई होगी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी बातें क्लियर रहती हैं कि कैसे होगी। लेकिन इतना निश्चिंत रहिए आप लोग कि जो 10,000 कार्यपालक सहायक की ये बहाली होनी है वह फिर से नए तरीका से होगी, नए सभी को आवेदन का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूर्व जो पैनल हैं वगैरह तो उनका होगा, ऐसा कुछ नहीं, आपको फिर से नई प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ेगा, चाहे जो भी प्रोसेस हो, और सबको समान रूप से मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही इसकी सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है सारी अपडेट देंगे, बने रहें, जुड़े रहें, ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए देश दुनिया और शिक्षा जगत की तमाम खबरों के साथ बने रहें, जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स कोई भी क्यूरी हो ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि हम जो भी आपको देते हैं एक्चुअल सारी ट्रूथफुलनेस के साथ 100% फ्रेंड्स 100% क्लियरफाई के साथ और ट्रूथफुलनेस के साथ हमारी जो भी न्यूज अपडेट होती है तो विधिवत जो है उसको सारे रिसर्च के साथ जो भी है तब आपको बताया जाता है। ऐसा नहीं कि अन्य यूट्यूबर की बात थी कुछ बता दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं, सारे आपके क्यूरी को सॉल्व किया जाता है। अब तक जितने भी हमारे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग, सबको मालूम होगा यह एक परिवार है न कि चैनल है, आप सभी परिवार के सदस्य हैं। और जो भी कोई कमियां होती है आप अपडेट रहते हैं, आपके कमियों को दूर किया जाता है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, सारी सूचनाएँ दी जाती है, अपडेट सही सोचना है। तो ऐसे ही आपको आगे अनवरत जारी रहेगा। तो फ्रेंड्स आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, बने रहें, जुड़े रहें देश दुनिया से अच्छा जगत की तमाम के साथ। कोई भी क्यूरी हो जरूर बताएं। तो फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।